आपका स्वागत है। आज हम आपको एक साधु तथा लालची घोड़े की कहानी से रूबरू करवाएंगे कि कैसे एक साधु ने एक लालची घोड़े को सबक सिखाया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तथा लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एक बार एक राजा ने उस व्यक्ति को इतना अच्छा इनाम दिया जो उसके लिए अपने साथ ले जाएगा और उसे संतुष्ट करेगा ताकि शाम को महल में लौटने पर उसे खाने की कोई इच्छा ना हो। एक एक करके लोग आगे आए और घोड़े को एक दिन के लिए अपने घर ले गए। कुछ ने उसे भूसा खिलाया, दूसरों ने इसे चने की दाल और जई खिलाई। प्रत्येक दिन जब स्वयंसेवक घोड़े को महल में वापस लाता था तो राजा नौकर को उसे कुछ ताजी हरी घास देने का निर्देश देता था। पूरे दिन भरे रहने के बावजूद लालची घोड़े के पास निश्चित रूप से घास के कुछ कौर होंगे। दिन ब दिन कई लोगों ने कोशिश की लेकिन हर शाम महल लौटने पर घोड़ा देर रात ताजा घास का नाश्ता दोहराता था। हर दिन राजा अदालत में चुनौती दोहराता और कोई न कोई इसे स्वीकार कर लेता। दिन बीतते गए। एक दिन एक विद्वान साधु आए और उन्हें चुनौती के बारे में पता चला। उन्होंने घोड़े पर अपना हाथ आजमाने की पेशकश की, इसलिए अगली सुबह वह घोड़े को पास के एक जंगल में ले गया। वहां उसने घोड़े के सामने कुछ घास डाल दी। जैसे ही घोड़ा खाने के लिए नीचे झुका, साधु ने बांस की भारी छड़ी से उस पर तेजी से प्रहार किया। ये पूरे दिन चलता रहा। घोड़ा घास के पास जाता और साधु उस पर छड़ी से जोर जोर से प्रहार करता। पूरा दिन घोड़ा भूखा रहा। जैसे ही शाम ढली, साधु भूखे और हतप्रभ घोड़े को महल में ले गया। राजा ने आदेश दिया कि घोड़े को ताजी घास खिलाई जाए। साधु अपनी छड़ी लहराते हुए घोड़े के पास खड़ा हो गया। घोड़े ने छड़ी को देखा और घास को छूने की हिम्मत नहीं की। सारा दिन उसके पास पर्याप्त था। इसने अपना सबक सीख लिया था। राजा न केवल आश्चर्यचकित हुआ बल्कि प्रभावित भी हुआ। खैर, साधु को वादा की गई पुरस्कार राशि दे दी गई और वह अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन उन्होंने एक मूल्यवान सबक सिखाया था। इस संसार में भी हम सांसारिक वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। हमें दुनिया से जितना अधिक मिलता है या जितना अधिक ये हमें उपलब्ध होता है या हमें दिया जाता है, उतना ही अधिक हम हड़पना और खा जाना चाहते हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हमारी इच्छाओं पर कोई सीमा नहीं है। तब भगवान हमें सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वो हमें डांट फटकार कर या किसी न किसी चीज से वंचित करके हमें सांसारिक झटका देता है। फिर भी हम नहीं सुनते। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए हम नए नए तरीके आजमाते हैं। आखिरकार उसे हमें समझाने और खाने पीने और मौज मस्ती करने की हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति को वश में करने के लिए हम पर प्रहार करना पड़ा। इससे पहले कि वह कहानी में घोड़े की तरह छड़ी चलाने और हमें काम पर ले जाने का फैसला करे, आइए हम खुद को